नमस्कार दोस्तों, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल ने एग्ज़ाम टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी स्नातक प्रथम वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुसार जो कोर्सेस हैं उनका टाइम टेबल आ गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अनुसार से जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है आप चेक कर सकते हैं टाइम टेबल। और इसमें जिनका भी कोर्स है बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, फर्स्ट ईयर के रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट 2021-22 सत्र के लिए उनका ये टाइम टेबल है। तो रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही स्टूडेंटों के लिए ये टाइम टेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके चेक कर सकते हैं। आपको आसानी हो समझने के लिए इसके लिए मैंने ये टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। इसमें सबसे पहले जितने भी ये कोर्स हैं बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, उन सभी में जो है वोकेशनल कोर्स होगा, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, उसका पेपर सबसे पहले है। और वोकेशनल कोर्सेज के जो पेपर होंगे वो 2 घंटे के होंगे और इसमें 7 जून से एग्ज़ाम आपके शुरू होंगे। तो 7 जून को जो है टाइमिंग रहेगा 7 बजे से 9 बजे, यानी 2 घंटे का है। 7 से 9 के दौरान फर्स्ट शिफ्ट में ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार से। और उसके बाद दूसरा शिफ्ट है 7 जून को ही 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और उस दौरान जो है ये पेपर्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं 7 जून को। फिर आते हैं तीसरे शिफ्ट पे, तो जो तीसरा शिफ्ट है वो 7 जून को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा शाम को। उस शिफ्ट में इतने पेपर हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका पेपर है और जो भी आपका कोर्स रहेगा उसमें पेपर जो वोकेशनल के हैं इसी तरह के हैं, तो जो भी आपने पेपर ले रखा है उसके अनुसार से चेक करें। ध्यान रखिए, आपको पेपर चेक करना है, टाइम चेक करना है और डेट भी, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक दिन में 2 या 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, तो 3 शिफ्ट में 3 अलग अलग पेपर होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से डेट को कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं बीए फर्स्ट ईयर, और इसमें बीए फर्स्ट ईयर में जो जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेस हैं, वैकल्पिक विषय जो आपने लिए हैं उसकी ये डिटेल है, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 7:00 से 10:00 तक 8 जून को। 8 जून को जो है आपकी ये पेपर हैं और टाइमिंग है 7 से 10, यानी 3 घंटे का जो है आपको टाइम रहेगा जेनेरिक इलेक्टिव पेपर्स के लिए। और जेनेरिक इलेक्टिव कोर्सेस में जो पेपर हैं उनकी ये लिस्ट है, तो उसके अनुसार से चेक कर सकते हैं जो भी आपने पेपर या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो उनकी पूरी ये इसमें ये लिस्ट है। तो एग्ज़ाम होगा 8 जून को 7:00 से 10:00 के शिफ्ट में। फिर इसके बाद दूसरा है 8 जून को ही 3 से 6 बजे के शिफ्ट के दौरान ये पेपर हैं जेनेरिक इलेक्टिव के, इस तरह से हैं। फिर आते हैं तो बीए फर्स्ट ईयर में मेजर माइनर कोर्सेस, ध्यान रखिएगा मेजर और माइनर कोर्सेस के जो सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम 3 घंटे का रहेगा, और यानी मुख्य विषय और गौण विषय, तो इसमें टाइमिंग रहेगा 7:00 से 10:00 तक, 10 जून से है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट ले रखे हैं, इसमें डेट देखिएगा, टाइम विशेष ध्यान रखिएगा, और आपका सब्जेक्ट मेजर में है या माइनर में है उसके अनुसार से, ठीक है। तो मेन आप जो सब्जेक्ट का टाइटल होता है पेपर नेम, उस पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं और डेट है और टाइमिंग भी है, तो जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है उसके अनुसार से। और ध्यान दीजिएगा जो
आपके फाउंडेशन के कोर्स होंगे, फाउंडेशन के कोर्स की टाइमिंग जो है 2 घंटे की रहेगी, 2 घंटे का पेपर होगा फाउंडेशन का। तो आप देख सकते हैं 15 जुलाई को 7 से 9 बजे के दौरान बी और बीसीए वालों का रहेगा फाउंडेशन का, और फिर 16 जुलाई को फाउंडेशन सेकंड पेपर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो टाइमिंग में भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर बाकी दिनों में जो है मेजर माइनर सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का टाइम रहेगा, तो फिर वो 7 से 10 के दौरान का है। तो इसमें देख सकते हैं कि किस दिन आपका पेपर है और किस शिफ्ट में या टाइमिंग में आपका वो पेपर है, तो इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं बीए फर्स्ट ईयर में ही मेजर माइनर कोर्सेस में टाइमिंग रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। तो ये 3 से 6 वाले शिफ्ट में जो है ये पेपर हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर किस शिफ्ट के टाइमिंग में है, ठीक है। तो 3 से 6 की शिफ्ट में ये वाले जो पेपर हैं वो हैं, आप देख सकते हैं। डेट और टाइम विशेष ध्यान रखें किस शिफ्ट में आपका पेपर है। मेजर माइनर में ही बहुत सारे पेपर हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, और इतने सारे पेपर हैं तो इसलिए टाइमिंग भी अलग अलग है, तो उसके अनुसार से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आप पूरी डिटेल इसमें चेक कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो, इसलिए इसमें कलरेशन किया गया है। और इसके बाद आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज के पेपर होंगे वो 8 जून से होंगे, यानी जो वैकल्पिक विषय आपने ले रखा है, टाइमिंग रहेगा 3 बजे से 6 बजे तक। और इसमें आप देख सकते हैं 8 जून को 3 से 6 बजे के दौरान ये पेपर जो हैं वो होंगे, इसमें आप चेक कर सकते हैं। पेपर नेम जो है ध्यान दीजिएगा, पेपर कोड और सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेन है आपका पेपर नेम, तो उस पर आप विशेष ध्यान दें और उसके अनुसार से डेट और टाइम को चेक करें। तो ये जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए, और एग्ज़ाम 8 जून को होगा 3 बजे से 6 बजे के दौरान। फिर आइए देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ही 3 बजे से लेकर 6 बजे के दौरान जो एग्ज़ाम होंगे मेजर माइनर कोर्सेस के, यानी मुख्य विषय और गौण विषय के। तो इसमें इस तरह से है, 10 तारीख को 3 बजे से 6 बजे में मेजर माइनर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार से आप उसको विशेषतः चेक करें। और जो फाउंडेशन का कोर्स होगा, जैसे मैंने आपको कहा है कि 2 घंटे का पेपर होगा फाउंडेशन का, तो वहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं हाइलाइटेड है। और बाकी में मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट हैं 3 घंटे का पेपर होगा। तो इस तरह से अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, तो टाइमिंग का भी आप विशेष ध्यान रखें। और ये इस तरह से बाकी आपके जो हैं पेपर्स हैं। और फिर है बीएससी फर्स्ट ईयर में ही मेजर माइनर कोर्सेज जो हैं, टाइमिंग देख सकते हैं 7 बजे से 10 बजे के दौरान जो है 20 जून 21 जून 22 जून और 23 जून को। तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 7 से 10 में इतने जो पेपर हैं वो हैं। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो मेजर माइनर कोर्सेस हैं 11 AM और 2 PM 11 बजे से 2 बजे के दौरान जो पेपर होंगे वो इनका डिटेल इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपके पेपर हैं उसके अनुसार से, और 11 से 2 बजे के दौरान मेजर माइनर बीएससी के जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनका ये पेपर होगा, तो उसके अनुसार से भी आप चेक कर सकते हैं डेट और टाइमिंग के, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग पेपर हैं। फिर आते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जनरिक इलेक्टिव कोर्सेस एक पेपर होगा जिसका टाइमिंग रहेगा 8 जून को सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी 11 AM to 2 PM 11 से 2 के दौरान आपके जो हैं जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस के ये पेपर होंगे बीकॉम के स्टूडेंटों के लिए। फिर उसके बाद मेजर माइनर कोर्सेस होंगे, तो आप डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। फिर फाउंडेशन का होगा, तो टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी, तो उस तरह से हाइलाइटेड किया गया है। फिर आते हैं बीएससी होम साइंस में। बीएससी होम साइंस में जो है जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस, इसमें कोई भी पेपर नहीं है। और फिर उसके बाद आपके मेजर और माइनर
कोर्सेज के जो हैं पेपर आएंगे तो आप देख सकते हैं। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 11 से 2 बजे के दौरान है, फिर 7 से 10 के दौरान भी है आपके पेपर, ठीक है, और 3 से 5 में भी है फाउंडेशन के जो कोर्सेज हैं वो भी। तो एक दिन में ही तीन अलग अलग टाइमों में भी एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, लेकिन डेट अलग रहेगी, तो उसके अनुसार से आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट में और किस टाइम पे आपका पेपर है। तो इस तरह से ये है, फाउंडेशन कोर्स को हाईलाइट किया गया है ताकि आप आसानी से चेक कर पाएँ। फिर है बीबीए फर्स्ट ईयर में, तो बीबीए फर्स्ट ईयर में भी जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस नहीं हैं, नो जीईसी पेपर। फिर डायरेक्ट मेजर माइनर कोर्सेस हैं, तो आप देख सकते हैं बीबीए फर्स्ट ईयर में फाउंडेशंस के कोर्स हैं, हाईलाइटेड हैं, टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी में 3 घंटे का आपको मेजर माइनर के सब्जेक्ट में 3 घंटे का टाइमिंग मिलता है, तो उसके अनुसार से टाइमिंग रहेगी, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है लास्ट में बीसीए का। बीसीए में जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस एक पेपर है, तो उसके जो जेनरिक इलेक्टिव के पेपर्स हैं उनकी ये लिस्ट है। टाइम डेट रहेगा 8 जून को, 7 बजे से 10 बजे के दौरान ही आपके पेपर होंगे, तो ये हैं। फिर उसके बाद आपके मेजर माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी ये डिटेल है, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा मेजर माइनर कोर्सेस में, लेकिन फाउंडेशन कोर्स में आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा, तो उसका टाइमिंग भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें 7 से 9 के दौरान जो है 15 और 16 जुलाई को बीसी और बीए वालों का फाउंडेशन कोर्स का है। तो इतना था, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ। और ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन का कोर्स का 2 घंटे का टाइम है, वोकेशनल कोर्सेस व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी 2 घंटे का टाइम रहेगा, बाकी मेजर माइनर कोर्सेस जो रहते हैं उनका 3 घंटे का टाइमिंग है। तो इस तरह से था ये आसान रूप में। अब आपको जो ओरिजिनल है उसमें भी आपको चेक कर सकते हैं जी। तो इस तरह से ये टाइम टेबल है, और बाकी जानकारी के लिए जो है आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ से भी टाइम टेबल चेक कर सकते हैं, सबको मैच कर लीजिएगा। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।